एक शक की सुई ने 3 साल की दोस्ती को चकनाचूर कर उसे हत्या जैसा भयावह अंत दिया। ये मामला है यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां एक दोस्त ने ही अपने सबसे खास दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस की सजगता के चलते 4 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस संदर्भ में वरिष्ठ निरीक्षक संजय जाधव ने अधिक जानकारी साझा की। कहते हैं कि शक एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी के जहन में बस गई तो हर रिश्ते की नींव को हिला देती है और कई बार रिश्तों का एक बेहद ही भयावह अंत होता है। ऐसा ही कुछ यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत हुई हत्या में भी हुआ। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय मृतक इमरोज उर्फ इमूर रशीद ये गैरेज में मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। रविवार रात करीब 11:30 बजे के दरमियान मुख्य आरोपी फरदीन उर्फ शेर खान वल्द मुजिब खान और आरोपी फरदीन रोशन खान ये इमरोज के घर गए और उसे चल घूम कर आते हैं ऐसा कहा, जिसके पश्चात इमरोज ने अपने पिता को बताया कि मैं बाहर जाकर आता हूँ और वो आरोपियों के साथ चला गया। इस दरमियान इमरोज का मित्र शाबाद अली वल्द सैयद अली भी उनके साथ गया। शेर खान और इमरोज दोनों ही एक गाड़ी पर थे। इस दौरान जब वे लोग जा रहे थे तब शेर खान ने इमरोज को कहा कि तुम दूसरी पार्टी वाले लोगों से जुड़ रहे हो, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। ये बात सुनते ही इमरोज गुस्से से तिलमिला गया और गुस्से में उसने गाली गलौज की, जिससे शेर खान को भी गुस्सा आया और उसने अपने पास रखे चाकू से इमरोज की गर्दन पर वार किया। स्थिति में भी इमरोज ने अपने गले से चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़कर शेर खान को जान से मारने की धमकी दी। ये चीज आरोपी फरदीन ने देखी और उसने भी अपने दोस्त शेर खान की सहायता करते हुए इमरोज पर वार किया। ये पूरा वाकया शाबाद देख रहा था, जिसके चलते उसने मृतक के घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में बताया और उन्हें घटनास्थल यानी संजय गांधी नगर आनंद बोरकर के घर के पास ले आया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय जाधव ने अधिक जानकारी साझा की। कल रात को तकरीबन 12:30 बजे शेर खान और फरदीन ये दोनों जो टेकाना का पाचपौरी में हद्दी में रहते हैं, उनका दोस्त है इमरोज उर्फ इमू कुरैसी और शाबाद अली, ये जो हमीद नगर यशोधरा नगर में रहते हैं उनको मिलने आए और घूम के आते हैं ऐसा उनके पिताजी को उन्होंने बताए और मोटरसाइकिल और एक्टिवा से घूमने चले गए। घूमते घूमते जो शेर खान है उसको एक खबर थी कि इमरोज है वो उसके जो दुश्मन है उनसे साठगांठ किया हुआ है, तो ये उसने मोटरसाइकिल चलते हुए उसने पूछा उसको कि तुम ऐसा करते हो क्या, तो उसने गुस्से में उसको बोला तुझे क्या करना है वगैरह ऐसी चीज़ बोली। वो गुस्से में ही ये जो शेर खान है उसके पास चक्कू था, उसने वो चक्कू निकाल के चलते मोटरसाइकिल पे उसने उसके गले पे वार किया और उसकी बाद में हत्या हो गई। हमने शेर खान को 4 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया है, दैट का चालू है। बता दें कि आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज है, जिसमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। वही आरोपी और मृतक बीते 3 साल से घनिष्ठ मित्र है, लेकिन एक शक की सुई ने मित्रता को हत्या की वारदात से चकनाचूर कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सराहनीय भूमिका निभाती हुई 4 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी शेर खान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।